हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल विष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन थ्योरम को बताऊंगा, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, जिसमें हम जैसे किसी नंबर को हम जब भाग देते हैं, जैसे हम मान लीजिए 15 में हम 6 का भाग दे रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारा देखिए यहाँ पर 15 में हम 6 का भाग देंगे तो क्या क्या आएगा, दो बार गया और हमारा जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया, वो हमारा यहाँ पे 3 आया। तो इस तरह से हमारा जो है शेषफल 3 आया। हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 15 बराबर 2 × 6 और प्लस 3। तो देखिए हम इसी को जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा, और ऑलवेज यहाँ पर हमारा जो है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर देन होगा रिमाइंडर से, क्योंकि यदि उसके बराबर या उसके बड़ा होता तो हम एक बार और उसमें भाग दे सकते। तो इसलिए जो है ये हमारा जो है ऑलवेज बड़ा होगा इससे, और इसको हम जो है हर एक भिन्न को हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो हम यहाँ पर प्लस 0 कर देंगे, तो ऑलवेज जो है हम एक इस फॉर्म में जो है किसी को भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हम जो है पॉलिनोमियल के लिए भी जो है इस तरह से कर सकते हैं, कुछ हम पॉलिनोमियल को मैं भी भाग दे सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम भी उसी के लिए पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ली, इस तरह से हमने एक पॉलिनोमियल ले ली यहाँ पे, ये हमारी पॉलिनोमियल है, और हमने इसमें मान लीजिए एक्स का डिवाइड कर दिया, तो एक्स का डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2x³ में एक्स का डिवाइड कर देंगे प्लस x² में एक्स का डिवाइड कर देंगे प्लस एक्स में भी एक्स का डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या बन रहा है, सभी में एक्स दिख रहा है, तो x² आ गया, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया प्लस यहाँ एक्स बन गया और यहाँ पे 1 बन गया। तो एक्स हमने जो है डिवाइड किया तो सभी में डिवाइड चला गया, तो इस तरह से हमारा जो है, क्योंकि हमारा जो है एक्स सभी में कॉमन था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी पॉलिनोमियल को 2x³ प्लस x² प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं, एक्स बाहर आ गया हमारा जो है डिवाइड करने में सभी में, यदि पूरी बार डिवाइड चला गया रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इसको जो है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2x² प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा जो है एक नया फॉर्म बन गया इसी पॉलिनोमियल का, और हम इनको बोलते हैं एक्स एंड 2x² प्लस एक्स प्लस 1 आर द फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस x² प्लस एक्स। तो ये एक्स और हमारे जो 2x² प्लस एक्स प्लस 1 जो है, ये हमारे जो है दोनों 2x³ प्लस x² प्लस एक्स के गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि यहां पर हमारा जो है रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारे जो है फैक्टर बन जाते हैं परफेक्ट, हमारे जो परफेक्ट जो है फैक्टर बन जाते हैं, गुणनखंड बन जाते हैं। यदि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो, अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला केस देखिए, 3x² प्लस एक्स प्लस 1 है, ये हमारी एक पॉलिनोमियल है, और इसमें हमें जो है x का डिवाइड करना है। मान लीजिए तो हम क्या करेंगे, 3x² को x से डिवाइड करेंगे प्लस x को x से डिवाइड करेंगे प्लस 1 को x से डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा डिवाइड हो गया, 3x आ गया प्लस यहाँ पर 1 आ गया, ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 डिवाइडेड बाई x कैसे होगा, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस केस में हमारा ये नॉट अ पॉलिनोमियल आ जाएगी, नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इस केस में हमारी ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी फिर, यदि हमारा जो है इस तरह का आ जाता है 1/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे देखिए, तो एक में हमारा जो है एक्स का भाग नहीं जा रहा है, तो इस तरह से हम कहेंगे 3x+1 एंड 1 आर नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x² प्लस एक्स प्लस 1। तो 3x+1 यहाँ पर हमारा जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिमाइंडर नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है, तो ये हमारा जो है इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इस केस में हमारा देखिए यहाँ पे क्या है,
स्क्वायर पर हम अलग से लिखते हैं, यदि यहाँ पर नीचे 3x² + x + 1 इक्वल टू क्या है हमारा 3x² 3x + 1, इसमें कॉमन हमारा x आया और प्लस 1 लिख दिया हमने, तो ये हमने लिखा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये चीज़ जो हमारी है ये हमारा भागफल है, ये भागफल है, भागफल अर्थात क्वांटिटी, ये हमारा भागफल है और ये हमारा जो है शेषफल है। शेषफल मतलब रिमाइंडर है ये हमारा। तो ये हमारा जो है भागफल हो गया और ये वन हमारा शेषफल हो गया। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, रिमाइंडर हमारा नॉन जीरो है और ये हमारा जो है भागफल है। तो इस केस में हमारा जो है 3x + 1 जो है इसका एक फैक्टर नहीं है। तो फाइनली हम जो है इसको एक फॉर्मूले के तौर में लिख सकते हैं, वो कैसे देखिए। तो हम इसको किसी भी भिन्न को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा जो है प्रत्येक भिन्न के लिए, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर इसी को लिखा, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। देखिए जब हमने इसको x से डिवाइड किया तो मतलब जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है इसी फॉर्म में आ जाएगा ये, तो भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारी जो है एक हर किसी के लिए एक मतलब जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा जो है। इस फॉर्म में हम जो है हर एक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे आपको, ये हमारा बेसिक था। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का मतलब। शेषफल प्रमेय होता है, इसमें मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जो है किसी भी पॉलिनोमियल का शेषफल जो है बहुत ही इजीली निकाल लेते हैं। एक ट्रिक है, एक विशेष टाइप की मेथड है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम देखेंगे इफ पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल, मतलब पी एक्स हमारा या एक बहुपद है। जब पी एक्स हमारा एक बहुपद है और इफ ए इक्वल टू अ रियल नंबर, ए हमारा एक वास्तविक संख्या है, तब हमारा क्या होगा, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। जब हम इस पॉलिनोमियल को पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तब हमें जो है रिमाइंडर, देन रिमाइंडर बराबर मिलेगा हमें पी ए। मतलब जो भी हमारी पॉलिनोमियल होगी, हमने अभी पढ़ा था ऊपर जो है पी एक्स से हम जो है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी पॉलिनोमियल होगी यहाँ पर, कोई भी बहुपद होगा, उसे हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो पी ए आ जाएगा। पी ए मतलब पी एक्स की जगह पर ए रख देंगे, जो हमारा यहाँ पर रियल नंबर है जिससे हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारा आ जाएगा। आप यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, इसको हम जनरली ये भी कर सकते हैं कि पी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू पी ए आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमने मान लीजिए पॉलिनोमियल ले लिया एक्स की पावर 4, तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल है और इसको हमने मान लीजिए डिवाइड कर दिया एक्स माइनस वन से, तो एक्स माइनस वन से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा करिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें हम जो है शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा जो है एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये पी एक्स है, तो पी एक्स है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ पर हम आर इक्वल टू करेंगे पी ए, पी आ जाएगा और हमारा यहाँ पर ए क्या है, देखिए ए हमारा है 1, क्योंकि हमारा जो है एक्स माइनस ए की फॉर्म होती है, तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए अर्थात यहाँ पर एक्स माइनस 1 है, तो ए की जगह पर 1 है, तो हम यहाँ पे पी वन निकाल लेंगे। पी वन बराबर देखिए क्या आ रहा है, 1 + 1 - 2 + 1 + 1, इससे कटे तो यहाँ पर हमारा आ गया 2, तो 2 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया इस पॉलिनोमियल का जो है।
जब हम एक्स माइनस वन से इस पॉलिनोमियल में भाग देंगे, जब डिवाइड करेंगे इसका, तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, दो आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो ये हमारी जो है रिमाइंडर थ्योरम है, इससे हम जो है किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर इतनी इजीली निकाल लेते हैं। बस आपको यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लेंगे, पी एक्स आपका एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, ये जो है फोर्थ ऑर्डर की हो सकती है, टू ऑर्डर की हो सकती है, लीनियर पॉलिनोमियल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और एक्स माइनस ये आपका क्या होगा, एक्स माइनस ये आपका को जो आप उस पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं जिसे वो है आपका, तो उस केस में रिमाइंडर जो होगा आपका पी ए आ जाएगा, जो भी यहाँ पे एक्स माइनस ए होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स प्लस वन से, लेकिन आपका फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, ये आपका एक्स माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप माइनस लेके प्लस वन को अंदर कर माइनस वन कर लेंगे इसको, तो इस तरह से आपका ए की जगह पर क्या आ रहा है, ए की जगह पर आ रहा है यहाँ पे माइनस वन। यदि आपका यहाँ पर प्लस है तो एक्स माइनस ए के फॉर्म में रखने के लिए आपको ए इक्वल टू माइनस में आ जाएगा खुद ही, और यदि आपका जो है ऑलरेडी माइनस में है, जैसे यहाँ पर हमारा था एक्स माइनस ए, तो वहाँ पर सीधे उसको ए की जगह पे जो भी है वन आ रहा है, टू आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको सीधे रख देंगे। तो ये हमारी जो है रिमाइंडर थ्योरम है, इससे हम जो है किसी भी पॉलिनोमियल का शेषफल निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्टराइजेशन थ्योरम की, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है देखिए, ये भी हम पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। एक इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ पावर एन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू वन एंड ए इज अ रियल नंबर। देखिए जब हमारा जो है पी एक्स एक बहुपद है जिसकी घात क्या है एन, जिसकी घात जो है एन है, और एन कैसा है एक से बड़ा होगा, एक या एक के बराबर होगा, मतलब कम से कम एक होगा या एक से बड़ा ही होगा, एक दो तीन चार इस तरह से उसकी घात हो सकती है, मतलब एक से कम नहीं होगी। तो इस तरह का एक बहुपद है पी एक्स, और ए हमारा क्या है एक वास्तविक संख्या है और रियल नंबर है, तब उस समय उस केस में हमारा क्या होता है देखिए, देखिए x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू जीरो। जो x माइनस ए होगा इस केस में जो है, जब हमारा जो है पी एक्स एक बहुपद है और ये हमारी वास्तविक संख्या, तो x माइनस ए हमारा जो है एक फैक्टर होगा पी एक्स का, एक गुणनखंड होगा, गुणक होगा, यदि पी ए बराबर जीरो होगा। मतलब जब हम पी को यहाँ पे जो है ए को यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर एक्स इज पे, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो उस केस में एक्स माइनस ए हमारा जो है उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा। तो एक केस ये, एक दूसरा इसी का रिवर्स है, पी ए इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये देखिए ये जो थ्योरम है आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये कह रहा है पी ए इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी ए बराबर जीरो कब होगा, जब एक्स माइनस ए जो है हमारा पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, एक गुणक होगा। और यहां पर कह रहा है कि एक्स माइनस ए पी एक्स का एक गुणक होगा जब पी ए बराबर हमारा जीरो होगा। तो ये दोनों मतलब सेम ही चीज है, ये एक दूसरे के रिवर्स है। तो ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन थ्योरम कहलाती है, गुणनखंड प्रमेय कहलाती है। तो किसी भी चीज को हमें जो है चेक करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है, या गुणनखंड निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी ए इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हमारा एक गुणनखंड होगा। देखिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहां पर हमें चेक करना है तो ये है हमारा जो है क्वेश्चन, चेक एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड टू एक्स प्लस फोर। तो हमें चेक करना है क्या हमारा जो एक्स प्लस टू है वो हमारा जो है इस पॉलिनोमियल, इन दो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसको हमें चेक करना है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज करेंगे, पी एक्स पी ए इक्वल टू जीरो वाला। यहाँ पर हम जो है इसकी कंपेयर करेंगे, एक्स प्लस टू की कंपेयर करेंगे किससे, एक्स माइनस ए से। तो इससे हमें क्या मिलता है, ए बराबर हमारा क्या है, देखिए एक्स प्लस टू है यहाँ पे एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पे एक्स माइनस माइनस टू होता है, अर्थात ए इक्वल टू माइनस टू आएगा हमारे यहाँ पे कंपेयर करने पे। और हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल को मान लीजिए पी एक्स मान लीजिए,
तो पी एक्स इक्वल क्या है आपका एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है। तो आपको क्या करना है इसमें, इसमें आपको पी ए करना है, पी ए अर्थात पी माइनस टू। तो यहाँ पे देखेंगे आप कितना आएगा आपका माइनस एट और यहाँ पे प्लस ट्वेल्व आएगा, यहाँ पे माइनस टेन आएगा और यहाँ पे प्लस सिक्स आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस एट और प्लस ट्वेल्व फोर आ गया और यहाँ पे माइनस टेन और प्लस सिक्स माइनस फोर आ गया। तो ये हमारा देखिए जीरो आ गया, अर्थात हमारा p माइनस टू बराबर जीरो आ गया। तो ये हमारा जो है कौन सी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी ए इक्वल टू जीरो जो है फैक्टराइजेशन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए जो है हमारा एक्स एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अर्थात जो हमारी पी एक्स है, जो हमने पी एक्स मान रखी है, इसका जो है एक्स प्लस टू क्या है, एक गुणक है, एक गुणनखंड है। तो ये हमारा जो है पॉलीनोमियल थ्योरम से प्रूफ हो गया। अब सेकंड चेक करना है हमें, सेकंड वाला चेक करना है, सेकंड वाला क्या है देखिए 2x प्लस फोर है, इसको मान लीजिए आप rx मान लीजिए, ये आपकी एक पॉलीनोमियल बन गई। तो आपको चेक करना है कि x प्लस टू इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले वही कंपेयर करके आप x प्लस ए से कंपेयर करके यहाँ से क्या निकाल लीजिए, एक्स माइनस ए से कंपेयर करके ए निकालिए, ए बराबर आपका माइनस टू आ गया। तो आप क्या करेंगे आर ए इक्वल टू आर माइनस टू इक्वल टू आपका आ जाएगा टू माइनस टू प्लस फोर, और आप इन्हें सॉल्व किया माइनस फोर आया प्लस फोर, तो ये भी आपका जीरो आ गया, अर्थात आर माइनस टू इक्वल टू जीरो आ गया। ये मतलब वही कंडीशन आ गई आपकी आर ए इक्वल टू जीरो वाली। तो इस तरह से आपका जो x प्लस टू है इज अ फैक्टर ऑफ आर एक्स। तो आर एक्स पॉलीनोमियल का जो है x प्लस टू एक फैक्टर है। तो इससे हमें जो है क्लियरली पता चल गया ये फैक्टर है करके। और देखिए दोस्तों ये हमारी ये वाली कंडीशन जो है हमारी जीरोज के लिए भी लागू होती है। अब यहाँ पे जो है ये भी बताता है कि अगर यहाँ पर हमारा एक फैक्टर, अगर x प्लस टू हमारा एक इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है, तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो करके x इक्वल टू माइनस टू जो है हमारा जो है एक ये एक जीरोज भी होगा हमारा जो है इस पॉलीनोमियल का, जीरोज अर्थात शून्यांक, शून्यांक भी जो है हमारा ये x माइनस टू इसका होगा। वैसे इस वाले केस में हमारा क्या था, जो पी एक्स पॉलीनोमियल थी उसका एक एक्स बराबर माइनस टू जो है इसका भी एक शून्यांक होगा। तो यहाँ पर हमारे जो है फैक्टराइजेशन थ्योरम से हम शून्यांक भी क्लियर कर लेते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप अदर एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे आप इसको और क्लियर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके थैंक्स।